बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने श्रीलंका को ऐसी पेशकश कर दी कि भारत हाथ मलता रह गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भारत के तसल्लुत में सहमे दबके और डरे हुए श्रीलंका को ऐसी ऑफर कर दी है जिससे श्रीलंका शेर बन गया और शेर बनकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया। दोस्तों, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने श्रीलंका को भारतीय तसल्लुत से आजादी देने के लिए बड़ा मंसूबा पेश कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि श्रीलंका पाकिस्तान के बेल्ट एंड रोड मंसूबे का हिस्सा है और चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राजदारी सीपैक पाक चीन का एक अहम तरीन प्रोग्राम है जो इलाकाई रवाबित के फरोग की नई राहें खोलेगा। सीपैक के जरिए इक्तिसादी राबता वस्ती एशिया और श्रीलंका तक बढ़ाया जा सकता है। श्रीलंका को दावत देता हूँ कि पाकिस्तान के जरिए अपनी इक्तिसादी रवाबित को फरोग दे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान और श्रीलंका को दहशतगर्दी जैसे मसाइल का सामना रहा और पाकिस्तान 10 साल बदतरीन दहशतगर्दी का शिकार रहा और श्रीलंका भी 30 साल तक दहशतगर्दी का मुकाबला करता रहा जिसमें पाकिस्तान ने उसकी मदद की और दहशतगर्दी ने श्रीलंका की तरक्की और सियाहत के शोबे को बुरी तरह से मुतासिर किया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का वाज़े तौर पर इशारा भारत की तरफ था कि भारत किस तरह से पाकिस्तान और श्रीलंका के अंदर दहशतगर्दी को फरोग देकर इन दोनों ममालिक की इक्तिसादी तरक्की के रास्ते में रोड़े अटकाना चाहता है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने श्रीलंकन हममनसब को बाज़ाब्ता तौर पर सीपैक मंसूबे का हिस्सा बनने के लिए दावत दे दी और उसके बाद श्रीलंकन वज़ीर-ए-आज़म महिंदा राजापाक्सा की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना और पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाना ऐसा ही है कि जैसे भारत को वाज़े और दो टोक पैगाम दे दिया गया है कि अब श्रीलंका पाकिस्तान के साथ खेल, सियाहत, सरमायाकारी, दिफा और मुआशी तआवुन के शोबों में मिलकर काम करेगा। दोस्तों, का मजीद कहना था कि दोनों ममालिक दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ एक दूसरे की मदद भी जारी रखेंगे जबकि गैर कानूनी मंशात, हथियारों की स्मगलिंग और दीगर तमाम गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ दोनों ममालिक की मुतलका एजेंसियां रवाबित मजबूत बनाएंगी। दोस्तों, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का ये पहला श्रीलंका का दौरा था। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो के एयरपोर्ट पर पहुंचे तो श्रीलंकन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इस्तकबाल करने के लिए खुद मौजूद थे और इस मौके पर वहाँ एक तकरीब का इनेकाद भी हुआ जहाँ पाकिस्तान और श्रीलंका के कौमी तरानों की धुन बजाई गई और इसके अलावा उनके एजाज में तोपों की सलामी भी दी गई जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। दोस्तों, भारत, अमरीका, इसराइल और दीगर ममालिक ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया है कि किसी तरह से पाकिस्तान का गेम चेंजर मंसूबा सी पैक को सबूताज किया जाए। दोस्तों, इस वक्त श्रीलंका की बंदरगाह पर चीन की जानिब से बड़े ही अहम मंसूबों पर काम हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि चीन पहले ही श्रीलंका के अंदर अपना असर सूख बढ़ा चुका है। श्रीलंका ने चीन को हबनटोटा पोर्ट और उससे मुल्हिक हजारों एकड़ अराजी 99 साल के लिए लीज पर दे रखी है। इंडिया ने इस पोर्ट पर चीन के कंट्रोल के हवाले से काफी तहफ़ुज़ात का इजहार किया कि चीन इस बंदरगाह को इंडिया पर दबाव बढ़ाने के लिए मिलिट्री बेस के तौर पर इस्तेमाल करेगा जो कि बिल्कुल मुमकिन है। दोस्तों, ऐसा कैसे हुआ कि महिंदा राजापाक्सा 2005 से 2015 तक श्रीलंका के सदर रहे और इससे पहले वो वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर भी रह चुके हैं। वो श्रीलंका में चीन के हामी तसव्वुर किए जाते हैं और चीन ने श्रीलंका की 26 साल खाना जंगी के खात्मे में भरपूर मदद की और उसके खात्मे के बाद भी सदर महिंदा के दौर में श्रीलंका का चीन पर मुआशी इन्हसार मुसलसल बढ़ता रहा। दोस्तों, अपने पहले दौरे सदारत में महिंदा राजा ने श्रीलंका के जनूबी सूबे के अहम शहर हबनटोटा में एक पोर्ट के मंसूबे के लिए इंडिया और चीन से कर्ज की दरख्वास्त की और इस पोर्ट के मंसूबे को खुद श्रीलंकन और इंडिया दोनों के माहिरीन ने नाकाबिले अमल और नाकाम मंसूबा करार दिया और इसी बुनियाद पर इंडिया ने श्रीलंका को कर्ज देने से इनकार कर दिया। लेकिन चीन ने इस मनफी रिपोर्ट्स को नजरअंदाज करके कर्ज देने की हामी भरी और यूं उसके फराहम किए गए कर्ज से तामीर का आगाज हुआ। लेकिन जैसे जैसे तामीर आगे बढ़ी मजीद कर्जों की जरूरत पड़ी तो चीन की शरायत सख्त और सूद की मद में भी इजाफा होता गया। मंसूबा मुकम्मल होने के बाद अंदाजे दुरुस्त साबित हुए और ये हबनटोटा पोर्ट
कोलंबो पोर्ट के होते हुए श्रीलंका जैसे छोटे मुल्क के लिए इंतहाई इजाफी और गैर मुनाफा बख्श पोर्ट साबित हुआ। पूरे साल में मुश्किल से 34 जहाज उस पोर्ट पर लंगर अंदाज हुए। दोस्तों एक तरफ मुनाफा नहीं था और दूसरी तरफ कर्जों और सूद की अदायगियों का बोझ बढ़ता गया और इसी दौरान 2015 में सदर महिंदा सदारती इलेक्शन हार गए और शदीद माली बहरान नई हुकूमत का दर्द सर बन गया। सदर महिंदा के इक्तदार से बाहर होने के बाद जब इस गैर जरूरी पोर्ट के लिए हासिल किए गए कर्जों की तफसीलात सामने आई तो उनके मुताबिक कर्ज का पैसा सदर महिंदा की इलेक्शन मुहिम में भी उसकी जाती तशहीर पर बेदर्दी से खर्च किया गया। श्रीलंका की नई हुकूमत को कर्ज की अदायगी के लिए भी चीन ने मजीद $5 बिलियन का कर्ज दिया और 2017 तक श्रीलंका नए और पुराने तमाम कर्ज मिलाकर चीन का $10 बिलियन का मकरूज था और हुकूमत ने चीन से कर्जे और सूद की अदायगी और मुदत बढ़ाने के लिए दोबारा मुजाकरात किए, लेकिन चीन कर्जे देने की शरायत में नरमी पर आमादगी जाहिर करने की बजाय बंदरगाह के मालिकाना हुकूक पर शराकत दारी बढ़ाने पर सख्ती से मुसर रहा। दोस्तों चीन अपने बेल्ट एंड रोड प्रोग्राम के जरिए दुनिया के 35 से ज्यादा ममालिक को माली इमदाद फराहम कर रहा है और दोस्तों दूसरे लफ्जों में चीन ने इंतहाई होशियारी से श्रीलंकन पोर्ट को 99 साल के लिए लीज पर लेकर भारत की गर्दन पर पांव रख दिया है। भारत पहले ही चीन की श्रीलंका में मौजूदगी पर परेशान था और अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से नए मंसूबों में शराकत दारी के ऑफर्स ने भारत के तमाम ख्वाबों को मलियामेट कर दिया है। दोस्तों जिस तरह से भारत अफगानिस्तान के अंदर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगंडे कर रहा है, इसी तरह पाकिस्तान और चीन भी भारत की गर्दन को अपनी मुट्ठी में ले चुके हैं और भारत के करीबी इलाके जिनको भारत अपनी कॉलोनी समझता है, पाकिस्तान और चीन की जानिब से उनमें अपना असर रसूख बढ़ाया जा रहा है। बांग्लादेश जो कभी भारत की कॉलोनी हुआ करता था, अब बांग्लादेश के सीपैक में शामिल होने के बाद और बहरा बंगाल में चीनी फौज के कश्तियों की मौजूदगी के बाद भारत बांग्लादेश के खिलाफ भी पर मारने की जरूरत नहीं कर पा रहा। हालांकि हालिया दिनों में जिस तरह से बांग्लादेश की जानिब से भारत को आंखें दिखाई गई हैं और बांग्लादेशी वजीर खारजा की जानिब से जिस तरह से भारत को औकात में रहने का पैगाम दिया गया, उससे जाहिर होता है कि चीन ने दबे हुए तमाम ममालिक को इक्तसादी राहदारी में शामिल करके शेर बना दिया है। और दोस्तों इंशाल्लाह सीपैक के असरात पाकिस्तान की इक्तसादी तरक्की में एक ऐसा किरदार अदा करने वाले हैं कि जिससे पाकिस्तान एशियन टाइगर के तौर पर उभर कर सामने आएगा। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।